मिस्टर रितेश पांडे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले कल उत्तराखंड में हुई घटना पर, जो हमारे देश के तमाम नागरिक जिनकी जान चली गई है उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना और अपनी पार्टी की और बहन कुमारी मायावती जी की संवेदना को यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगा। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना भाषण एक 6 पॉइंट एजेंडा के तहत यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा है किसानों के बीच पलते हुए आक्रोश को लेकर के। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये अत्यंत ही निंदनीय है कि पिछले कुछ महीनों से इस देश में 3 किसान विरोधी कानूनों के विपक्ष में, विरोध में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें बैठे अन्नदाताओं को कुछ छुट भैये नेता आतंकवादी घोषित करने का काम करते हैं। यहां ये जानना अत्यंत ही जरूरी है अधिष्ठाता महोदय कि हमारे इन किसान आंदोलनकारियों को, जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे होते हैं, इनके बीच में कुछ नकाबपोश जो लोकल स्थानीय लोग बनकर के आते हैं और पुलिस की नाक के नीचे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाने का काम करते हैं, ताकि सरकार के पक्ष के प्रति सहानुभूति आम जनमानस में पैदा हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि लाल किले पे हुई जो अप्रिय घटना हुई है, इसकी हम सब निंदा करते हैं, लेकिन यह लालचन किसानों पे लगाना कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसी तिरंगे में लिपट करके इन्हीं किसानों के नौजवान बच्चे बच्चियों का शव वापस लौटता है सरहदों से। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज किसानों के ऊपर लालचन लगाने की बजाय बहन कुमारी मायावती जी का जो अनुरोध रहा है और जो बात कही है उन्होंने, कि हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए और उनके जितने भी मुद्दे हैं उनको सुनकर के इन 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की जरूरत है। अधिष्ठाता महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर के है। इस देश में 3 प्रकार की बेरोजगारी है। एक ऐसी बेरोजगारी जो आम होती है, नौकरी न मिलने की वजह से होती है। दूसरी ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी एक कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग कार्यरत होते हैं, जिसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और एक तीसरी ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से नीचे का काम करने के लिए मजबूर होता है। ये 3 बेरोजगारी हमारे देश में व्यापक है। ये हमारे देश के बुनियादी मुद्दे हैं और इससे हमारा देश जूझने का काम कर रहा है। एक समय था जब यह सरकार वोट मांगने के लिए ये कहती थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। आज कहीं ना कहीं इन्हीं बुनियादी मुद्दों से सरकार ने अपने हाथ को धोने का काम किया है। आज इन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय बेरोजगारी ने पूरे देश में अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। हमारे देश में ज्यादा 95% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और इनमें से आधे से ज्यादा यदि 1 हफ्ते तक काम न कर पाए तो वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं। अधिष्ठाता महोदय, इन श्रमिकों को हमें यह देखना है कि हम किस तरह से बचाने का काम कर सकते हैं। और लॉकडाउन के समय हमने देखा कि किस तरह से लाखों करोड़ों श्रमिक भुखमरी की कगार पर आ गए थे। और इसी बिंदु के मद्देनजर रहते हुए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस देश में फैली आर्थिक असमानता पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे देश में 2 प्रकार की महामारी देखने को मिली। एक ऐसी महामारी जो करोड़ों गरीबों की महामारी थी और एक ऐसी महामारी जो चंद अमीरों की महामारी थी। यह कितनी बड़ी विडंबना है
कि इस देश के ये देश जब कोरोना काल में लॉकडाउन से जूझ रहा था तो इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति और इस देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमाने का काम कर रहे थे। इसी व्यक्ति की कमाई से, लॉकडाउन की कमाई से, इस देश के करीब 40 करोड़ श्रमिकों को 5 महीने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर रखा जा सकता था। यहां पे यह भी बताना जरूरी है कि यहां इस देश के 100 अरबपति उनकी लॉकडाउन की कमाई से माननीय अधिष्ठाता महोदय 13,80,00,000 लोगों को 94,000 रुपए का चेक दिया जा सकता था, लेकिन सरकार अपनी पूंजीवादी विचारधारा से बाज नहीं आ रही। आज भी सरकार पिछले कुछ सत्रों में श्रमिक कानूनों को पास करके, 3 किसान विरोधी कानूनों को पास करके इस देश में बढ़ती असमानता को, उसकी खाई को और गहरा करने का काम किया है, उसको खोदने का काम किया है। मैं इसी असमानता को लेकर के भारत में शिक्षा की विसंगतियों को भी कोरोना काल के समय में, जिससे पर्दाफाश करने का काम कोरोना काल ने किया है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। जहां देश के चंद अमीर बच्चे अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और उसके साथ साथ आईपैड के साथ पढ़ाई करने का काम कर रहे थे, अपने ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त थे, वहीं देश के करोड़ों गरीब बच्चे इन्हीं आधुनिक यंत्रों के अभाव में अपना शैक्षिक वर्ष गंवाने का काम कर बैठे। इसी के साथ साथ हमारे SC ST समुदाय के 60,00,000 से अधिक SC समुदाय के बच्चे 14 राज्यों में उनकी जो है छात्रवृत्ति अभी तक लंबित है, और उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने इसी योजना के लिए जो निर्धारित राशि तय की थी उसको देना बंद कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो विसंगतियां हैं इनको दूर करने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमें शिक्षा के बुनियादी संस्थान, जो हमारे देश के सरकारी शिक्षा के जो बुनियादी संस्थान है, उनको मजबूत करने की जरूरत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है अधिष्ठाता महोदया, सदन को यह भी जानना जरूरी है कि सरकार नारी सशक्तिकरण और महिला बराबरी का नारा तो देती है, लेकिन उसके साथ साथ इसी महामारी ने इस सफेद झूठ पर से पर्दा हटाने का काम किया है। कोई भी आपदा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो और चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो, महिलाओं को और बच्चियों को इन आपदाओं का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और इन आपदाओं से उभरने में भी सबसे ज्यादा समय महिलाओं और बच्चियों को लगता है। हाल ही में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में 107 देशों में से 94 स्थान पर आया है, क्योंकि दुनिया की आपके यहां से 3-4 नहीं तो ठीक है, मैं 2 मिनट और लूंगा आदि साथ, बस 2 मिनट और। 107 देशों की रैंकिंग में भारत 94 स्थान पर है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करने का काम करते हैं, उसी देश में 20 करोड़ बच्चे और गर्भवती महिलाएं और नई माएं अभी भी कुपोषण का शिकार है, जो कि एक अत्यंत ही निंदनीय चीज है। और जैसा कि हमने देखा है लॉकडाउन के समय, चाहे हाथरस का मामला हो और चाहे वो लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में बढ़ते आंकड़ों का मामला हो, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हुई है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम करती है। पिछले 6 वर्षों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि भारतीय मीडिया सत्ता के सौदागरों के गोदी में खेलने का काम कर रही है। हाल में ही एक प्रसिद्ध मीडिया के न्यूज एंकर और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के कर्मचारी के बीच हुए व्हाट्सएप लीक से यह साफ पता चलता है कि किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान से TRP बढ़ा करके उससे कमाई करने का काम किया जाता है। अधिष्ठाता महोदया, ये देश की संप्रभुता के साथ एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है, और इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और उस पे जांच बैठनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ
जहां बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के संविधान में दिए गए अधिकारों, आई एम फिनिशिंग, संविधान में दिए गए अधिकारों को लेकर के जो कुछ पत्रकार, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके कामों की आलोचना करते हैं, तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कानून, चाहे वो देशद्रोह के या यूएपीए के कानून हो, लगा करके उनके ऊपर जो है तमाम उनकी आवाजों को बंद करने का काम किया जाता है। मैं यहां पे अपनी बात चंद शब्दों में खत्म करने का काम करूंगा। यदि सरकार अपने कार्यों को लेकर के सच में विश्वास से पूर्ण है, सच में सशक्त है और सच में सामर्थ है, तो आखिर वो इन आलोचकों से क्यों डरती है? अंत में अधिष्ठाता महोदया, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यहां पे कुछ पंक्तियां एक कविता वीर से कहना चाहूंगा। सच है विपत्ति जब आती, और ये कविता उन किसान भाइयों के लिए है और उन नौजवान साथियों के लिए है जो सीमा पे डटे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली की हो और चाहे देश के सरहद की हो। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।